हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे, आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फरीदाबाद के बारे में। फरीदाबाद के का बहुत ही फेमस स्थल है कोस मीनार। कोस मीनार प्राचीन शाही मार्ग और राजमार्ग पर स्थित है, जिन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में परिवर्तित कर दिया गया है। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनाए गए कोस मीनार बहुत ही फेमस है। भारतीय इतिहास में सड़क मील के पत्थर के ज्ञात उदाहरण 1619 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पुराने शाही मार्ग पर हर कोस, जो कि 2 मील की दूरी और लगभग 3.22 किलोमीटर दूर पर हैं, उन्होंने मीनार बनाने के लिए बलबीर खान मुल्तान के फौजदार को आदेश दिया था। कोस मीनारों को एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर खड़ी ठोस ईंट संरचनाएं पर पट्टी की जाती हैं। हर मीनार पर टेपरिंग अष्टकोणीय आधार से होता है। राजा नहर सिंह पैलेस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध। राजा नहर सिंह पैलेस 18वीं सदी का प्राचीन महल है। इसे जाट नाहर सिंह के उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था। इस सुंदर महल का निर्माण कार्य 1850 ईस्वी में पूरा किया गया था। इसे बल्लभगढ़ किला महल के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण दिल्ली से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये राजा नाहर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महल में के मंडप का आंगन बहुत सुंदर है। झुकी हुई मेहराबें और सुंदर रूप से सजे कमरे इतिहास के पन्ने में वापस ले जाते हैं। अब यह एक विरासत संपत्ति है। इस महल के चारों ओर कई शहरी केंद्र हैं। यह राशि महल भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। पार्सन टेम्पल पार्सन मंदिर हिंदू मंदिरों में से एक है, जिसे पवित्र और श्रद्धेय माना जाता है। यह मंदिर महर्षि तपसार भूमि के रूप से भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद हरियाणा के बदखल झील के पास स्थित है। जैसा कि आप बदखल झील के प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे, आपको झील के ठीक पहले एक सही मोड़ मिलेगा। झील के दाहिने मोड़ पर पहुंचने पर आप पार्सन मंदिर तक पहुंचने के लिए इनबिल्ट के निशान का पालन कर सकते हैं और एक सुंदर मंदिर होने पर इसकी झलक शुभ हो जाती है। मंदिर में एक तालाब भी है जिसका नाम ब्राह्मण है। यह माना जाता है कि इस तालाब में अपने पापों का छुटकारा पाने के लिए कोई भी पवित्र डुबकी लगा सकता है। तालाब में पुरुषों और महिलाओं के लिए स्नान करने के लिए अलग अलग जगह है। मंदिर में सख्ती से उल्लेख है कि आपको मंदिर की शुद्धता का प्रबंधन करना है। तालाब के बगल में मंदिर को सुंदर और आँखों से सुखदायक पानी गिरने वाला देखा जा सकता है। यह झरना आपके जीवन को अत्यधिक शांति महसूस कराएगा। फिर मिलेंगे नए शहर में नए स्ट्रीट फूड के साथ। स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से आपकी होस्ट निशा पांडे।